Please subscribe my YouTube channel and press bell item for latest updates. क्लास शुरू होने मात्र 10 मिनट बाकी है। अगर साली आई कॉलेज तो ऐसा कुछ करूंगा ना कि जाने न दे साली के। सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दो ना, मैं बिसर गया था। तुम्हारी कसम, आखिरी बार माफ कर दो ना। लाइट मार के रिकॉर्ड कर नहीं मिली जब तेरे फिल्म में जैकेट खोल कर मैं तुम लोगों को कलयुग का पंच शीर्षक से अध्ययन कराऊंगा। इस कहानी में आजकल के पंच कैसे होते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी कराऊंगा। जब कोई पंच पंचायत की दरी पर बैठ जाता है तो वो परमेश्वर का रूप धारण कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पंच होते हैं जो एक कप चाय और बिस्कुट पर दिखकर पंचायत का फैसला एकाकर सुना देता है। इसीलिए सभी पंचों को चाहिए कि अपना पराया दोस्ती दुश्मनी रिश्ता संबंध का भेदभाव छोड़कर पंचायत का फैसला निष्पक्ष करे। इसीलिए कहा है, अरे मत बिको पंच चाय बिस्कुट और सिगरेट पर, मत बिको पंच चाय बिस्कुट और सिगरेट पर, लेकिन नहीं तो शरीर में कैंसर निकल आएगा पंचायत के इसी गेट पर, पंचायत के इसी गेट पर। इसीलिए तुम लोगों को कभी भी पंचायत करने का मौका मिले तो तुम लोग निष्पक्ष भाव से फैसला करना। हाँ तो आप तुम लोगों को मेरी पीरियड खत्म हुई और विस्तृत जानकारी मैं अगले पीरियड में दूंगा। माफ कर दो, भैया के सामने मैंने जो भी कुछ कहा वो सब झूठा, क्योंकि मैं भैया के सामने वो सब नहीं कर सकता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मालूम जब मालूम है मुझे अंकुश कि तू बिकी के सामने नाच कर रही थी, इसीलिए तो मैं बिकी के बाद क्या जवाब नहीं दिया। I love you. I love you.
बात है, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उस अखबार का बेटा हूँ जिसे घर से सारे गांव वाले क्या बोलते हैं, और तू साला तो गरीब बंदा है, मुझसे बात करते हो। इस घर में हमारी हुकूमत चलती है, अगर तुझे रहना है इस घर में सुन क्या मैं जो भी करता हूँ वो देख बोलना, ऐसा सब सीखूंगा जिंदगी भर तो याद रखोगे। रुक सारे, कौन की को समझ लगा है? देखिए इस विद्यार्थी के बारे में ऐसा लूंगा ना कि जिंदगी भर तो याद रखोगे।